नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जयंती पर श्री राजपूत कर्णी सेनानी महाराणा प्रताप को किया याद, राजपूतों की एकजुटता पर दिया जोर। राजपूत कर्णी सेना ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर मेहरीपुर स्थित एक मैरिज हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए हरीश सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा सर्व समाज की सुरक्षा एवं सम्मान किया है, जबकि अब तमाम राजनीतिक दलों के नेता क्षत्रिय समाज के ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज अब एकजुट हो गया है, उन्हें अब हमारी एकजुटता का पता भी चलेगा। पूर्वांचल अध्यक्ष यशवंत सिंह रोलू ने कहा कि आज कुछ नेताओं की भीड़ से समाज का भला नहीं होने वाला। स्वार्थ एवं संकीर्णता से क्षत्रिय समाज को ऊपर उठना होगा, तभी हमारे समाज का सम्मान एवं मर्यादा बनी रहेगी। पूर्वांचल प्रवक्ता चंद्रेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूरे देश में क्षत्रिय समाज के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दशकों से हम लोगों को राजनीतिक लाभ के चक्कर में आपस में लड़ाया जाता रहा, हमें अब एकजुट होकर समाज की एकता के लिए काम करना होगा। सभा को राजमाता आशिमा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि वीर क्षेत्राणियों ने अपने सम्मान के लिए जौहर तक किया, विश्व में अब दीपो भव का संदेश देने का कार्य एक क्षत्रिय ने किया। सभा को प्रमुख रूप से पूर्व प्रमुख गोपाल सिंह, कृष्ण चंद्र सिंह, अशोक सिंह, अमित प्रताप सिंह, आरबीएस अनिल सिंह अध्यक्षता कर रहे, विजयपाल सिंह ठाकुर, दीपक सिंह, विपिन सिंह, सत्येंद्र सिंह, राम प्रताप सिंह, अमरनाथ सिंह, अमितेश सिंह, प्रदीप सिंह, पिंकू मनोज सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंशु सिंह, अंकुर सिंह, अभिजीत सिंह, सोनू सिंह, अतुल सिंह, रमाकांत सिंह, बम बहादुर सिंह, रामबख्श सिंह, संतोष सिंह, अनुरोध सिंह, राहुल सिंह, नीरज सिंह, शिवलू पाल, अमित पाल समेत हजारों क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद। महाराणा प्रताप की जयंती और हर साल के बाद इस साल भी हम जयंती मनाया, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की मृत्यु का अनुभव महाराणा तक किए, उसके बाद वहाँ चुनाव था, इसी वजह से हम लोगों ने अलग जगह अपना कार्यक्रम रखा और हम लोगों ने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में लोगों को कहा, उनको समझाया और समाज को एक करने की दिशा में हम लोगों ने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आज इतना बड़ा सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ गई? हम राजपूत केवल सम्मान के भूखे हैं, अगर हमको सम्मान ही नहीं मिला तो फिर मुझे एक होने की मेरी एक मजबूरी बन रही है कि अब मुझे एक होना, क्योंकि सम्मान से बड़ा कुछ होता नहीं, राजपूत केवल सम्मान के भूखे होते हैं। बात अगर देश की कीजिए तो क्षत्रियों के साथ तमाम घटनाएं घटी हैं, इस बीच में ऐसे में क्या निर्णय लिया जा सकता है? क्षत्रियों ने निर्णय तो ले लिया है, उसका उदाहरण आप गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही कि क्या हो रहा है। तो चुनावी सीजन, ऐसे में क्या माना जाए कि क्षत्रिय एकता कहीं ना कहीं कुछ नया खेला कर सकती है? इस खबर में बस इतना ही, देखते रहें बीएन टाइम्स।